हाय और फिर से स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। मेरा नाम है मनप्रीत गिल, एक पंजाबी लड़की हूँ पली बड़ी वेस्ट लंदन में कई भिन्न प्रकार के स्वादों के साथ। इसीलिए मुझे पसंद है बनाना भिन्न प्रकार के व्यंजन। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी बेकन पराठा। तो पराठा होता है एक स्टफ चपाती। अब इससे पहले आपने चखा होगा आलू पराठा, जिसमें स्टफ करते हैं आलू, या तो फिर व्हाइट रेडिश पराठा यानी के मूली पराठा। मुझे नहीं लगता आपने कभी भी चखा होगा बेकन पराठा। ये बहुत ही नया है और बहुत ही अलग है, और ये एक समन्वय है यूरोपियन नाश्ते और इंडियन खाने का। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो बनाने के लिए बेकन पराठा हमें चाहिए होगा 8 स्ट्रिप्स बेकन की, 1 कप भर के स्पिनच या पालक, 1 कप भर के चीज, 1 कप भर के गूंदा हुआ आटा और 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और 4 लहसुन की कलियां। ओके, तो पहला स्टेप है कम तेल में तलना बेकन को। डालेंगे थोड़ा सा तेल पैन में। और उसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब ये तैयार है बेकन के लिए। यह 8 स्ट्रिप्स जिनको मैंने बारीक काटा है। हमें करना है बेकन को कुछ ज्यादा कुरकुरा। मुझे इसको करना है थोड़ा सा और कुरकुरा। तकरीबन बन गया। ओके, तो अब जब ये हो गया है तो इसमें से निकाल लेंगे अतिरिक्त तेल। तो हमें नहीं चाहिए बहुत ज्यादा तेल बेकन में, नहीं तो ये पराठा नहीं चिपकेगा। और किचन पेपर निकाल लेगा सारा तेल इसमें से। ओके, तो आइए इस्तेमाल करते हैं पेपर और निकाल ले बचे हुए तेल को। और अब हम मिला लेंगे हमारी सारी सामग्री। आइए लेते हैं पालक। और पराठा है एक बहुत ही पंजाबी नाश्ता, जबकि बेकन है एक इंग्लिश नाश्ता। और जब आप दोनों को मिलाएंगे एक साथ में तो ये बन जाएगा फ्यूजन फैंटास्टिक। तो आइए बढ़ते हैं आगे। डालेंगे चीज और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है एक साथ में। चीज काम करता है अच्छे से इस व्यंजन में, क्योंकि ये पिघल के बाइंड करता है सारी सामग्री को। और हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च। और डालूंगी 2 चम्मच नमक। और हम लेंगे ये लहसुन की कलियां। मुझे पसंद है इस्तेमाल करना ताजा लहसुन इसमें, क्योंकि ये इसको देता है बहुत अच्छा स्वाद। ओके, तो लहसुन को डालेंगे इसमें। और अब डालेंगे बेकन। ये सच में एक बहुत प्रचलित व्यंजन है मेरे घर में। और अब हमारा पराठा मिक्स तैयार है। तो आइए बिखेरते हैं थोड़ा जादू। मैं गरम करूंगी तवा। अब हम बनाएंगे हमारी रोटियां इसमें से। लेंगे बड़ा सा गोला आटे का। तो मेरी तकनीक है, मैं बनाती हूँ 2 रोटियां और भरती हूँ स्टफिंग बीच में। और ये तकनीक मैंने सीखी मेरी नानी से, जिसकी वजह से आपको मिलती है बहुत ज्यादा स्टफिंग हर निवाले में। दिखने में भी साफ लगता है। थोड़ा सा आटा निकाल लूंगी। और ये है सही साइज। और हमें बनानी है 2 रोटियां। ये दिखना चाहिए ऐसे।
इस पे लगाएंगे ज्यादा सूखा आटा ताकि ये चिपके नहीं। ये हो गई एक। और अब ये दूसरी। हम रोटी को आधा बेल लेंगे स्टफिंग अंदर रखने से पहले। ये लगभग ठीक है। और यही समय पे तवा भी गर्म हो रहा है अच्छे से। ये लगभग बराबर है। बहुत अच्छे। अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी। पंजाबी खाना एक बहुत ही पौष्टिक खाना और हम इस्तेमाल करते हैं सामग्रियां जैसे कि घी। ओके, अब हम डालेंगे ये मिश्रण। ये सही मात्रा है फिलिंग की और आपको रखनी है बाहरी सतह खाली चिपकाने के लिए। अब हम रखेंगे दूसरी रोटी ऊपर से और अब हम इसे दबाएंगे इस तरीके से। आप ले सकते हैं एक रोटी, भर सकते हैं फिलिंग बीच में और बंद कर सकते हैं उसको ऐसे, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसको बेल लेंगे ताकि ये समांतर मात्रा में फैल जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये बाहरी सतह तक जा रहा है। तो इस तरीके से बेल के स्टफिंग बाहरी सतह तक जाएगा और ये बन जाएगा परफेक्ट पराठा। अब हम इसे रखेंगे तवे पर। इस तरीके से सूखा आटा और निकल जाता है। तो कहते हैं कि आपकी रोटी जितनी फूलती है उतना ही सामने खाने वाला फूका है। तो आइए देखते हैं कितनी। हम इसे पलट लेंगे। हम डालेंगे थोड़ा सा और घी। और अब ये तैयार है। बठिंडा से लेके बर्मिंगहम तक ये है एक बहुत ही अलग खाना। और ये बन गया है बहुत ही स्वादिष्ट। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये है एक बहुत ही अलग पराठा और आपको इसे जरूर बनाना चाहिए। ये फेवरेट है मेरे दोनों बच्चों का घर पे। इसमें सब कुछ है। इसमें है बेकन, चीज, पालक और ये है सेहत से भरपूर, क्योंकि इसमें है प्रोटीन, इसमें है डेयरी और साबुत अनाज। तो बनाइए घर पे।